बाईपास में, और ये नियारी बाईपास है जो नेमतुल्ला खान एडवोकेट साहब ने बनाया था। देख लें और इतनी सहूलत है इसकी कि हमने कभी ना सोचा ना देखा। ताकि शहर में ट्रैफिक इतनी जाम होती है, यहाँ बिल्कुल स्मूथ है, ट्रैफिक स्मूथ रनिंग में है और बहुत सहूलत वाला है। ये कराची वालों के लिए भी, बाहर वालों के लिए, जहाँ से आप जाते हैं उसी का आपके माड़ी निकल जाते हैं। ये सामने से आपको दिखा रहे हैं मुनव्वर साहब, ये सीधा के माड़ी निकल जाते हैं और हम चढ़े हैं गार्डन से, और हम यहाँ से अभी आगे जा रहे हैं शराबकोट। आप ये देखें, हम यहाँ से सामने से जाएंगे शराबकोट और वो नीचे से सारी गाड़ियाँ गोली मार रास्ते से साइड एरिया जा रहे हैं। मेरे साथ रहें, मेरी वीडियो को कहीं भी आकर जरूर देखें। मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। एक नए सफर पे रवानगी अपने होटल गल्फ से, दाऊदपोता रोड सदर। ये आपको मैं लियारी बाईपास से सुपर हाईवे तक सैर कराऊंगा। मेरे साथ मेरी टीम के मदद मेम्बरान मौजूद हैं, जिसमें मुनव्वर साहब हैं। हाथ खड़ा करें जी मुनव्वर साहब। पीछे जाफरी साहब मौजूद हैं। जाफरी साहब, हाथ नहीं खड़ा किया आपने, हाथ खड़ा करें। और मसूद साहब आ चुके हैं, हाथ खड़ा करें। चले बैठ जाए, तशरीफ रखें। सफर की दुआ पढ़े भाई, सफर की दुआ पढ़े, सफर पे की दुआ पढ़े। बकरे नींद, हाँ चले, हमारा सफर शुरू हो जाता है। इफ्तिखार आज हमारे साथ है, इफ्तिखार ड्राइव करेंगे और मैं इनके साथ आगे बैठा हूँ। चलिए सीधा निकले बेटा, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ रहे। हम अपनी मंजिल की जानेब रवान दवा हैं, एम्प्रेस मार्केट सदर आ गए हैं। दाऊदपोता रोड से चल रहे हैं अभी तक, एम्प्रेस मार्केट सदर से, एम्प्रेस मार्केट सदर। लोगों का रश, पब्लिक का रश, ये सामने एम्प्रेस मार्केट सदर। और अब मेरे सिर्फ जहांगीर पार्क, ये देखिए जहांगीर पार्क। ये आपको मैं सफरियात का मेरा चैनल है, ट्रैवल टूरिज्म होटल रेस्टोरेंट। मेरे साथ रहा करें, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप मेरे साथ ही हो। मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहे। लो जी बंदर रोड पे हम आ गए हैं जी, बंदर रोड पे आ गए हैं। ये बंदर रोड क्रॉस कर रहे हैं अभी, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा फिर मैं आपको लियारी बाईपास इंशाल्लाह। ये बंदर रोड सीधा बेटे सामने जा रहा है, ये देखें जी बंदर रोड के ऊपर हम आ गए हैं। मैंने इफ्तिखार को बताया कि सीधे सीधे सामने जाए, इफ्तिखार साहब सीधे जा रहे हैं सामने, आप मेरे साथ रहे। बहुत शुक्रिया माय व्यूअर्स, उम्मीद आप सारे ठीक होंगे। मेरी वीडियो को पहले से आकर तक जरूर देखा करें, आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरी सारी वीडियो देखते हैं। दोस्तों को भी बोलें वो सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों तक पहुँचे। सफरियात दिखाता हूँ ताकि आपको ऐसा फील होता है कि मेरे साथ ही चल रहे हो। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज पे बताया, फ़ोन करके बताया कि वीडियो में ऐसे लगता है कि जैसे हम आपके साथ हैं, और मैं भी चाहता हूँ मेरे साथ ही रहे। मैं कभी नहीं चाहता कि आप मेरे से इधर उधर जाएँ। एक रिक्वेस्ट है कि एक खातून है, उसकी वीडियो आ रही है आपके पास, मैं उसका लिंक पंच कर दूँगा चुलबुली कुड़ी के नाम से, तो प्लीज़ उसके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए, थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह खैर। इट्स अ लियारी एक्सप्रेस वे, हम इसके ऊपर जा रहे हैं। आप लियारी एक्सप्रेस वे के ऊपर जा रहे हैं, ये सामने सारा कराची, ये गार्डन का इलाका, और यहाँ से आप देखें ये सीधा आगे गोलीबार का इलाका। ये देखिए हमारे साथ रहे, इंजॉय करें। कराची हाइट के लिए स्पेशल, कराची से बाहर वालों के लिए भी स्पेशल। आज इफ्तिखार साहब जो गाड़ी है ना वो तकरीबन चला रहे हैं 110 किलोमीटर 120 किलोमीटर, और माशाल्लाह इंजॉय करें। ये देखें लियारी बाईपास, हमारे साथ रहने के लिए आपका शुक्रिया हर वक्त मैं अदा करता हूँ। हमारे चैनल को पहले से आखिर तक जरूर देखा करें, आपके लिए बहुत आला सफरियात की ये मैं वीडियो लाता हूँ। चैनल का नाम भी है ट्रैवल टूरिज्म होटल एंड रेस्टोरेंट, हमारे साथ रहा करें और देखा करें। ये देखें कराची लियारी बाईपास, लियारी एक्सप्रेस वे, लियारी एक्सप्रेस वे। माशाल्लाह गुलशन इकबाल की तरफ पहुंच गए हैं, माशाल्लाह। अच्छा ये रोड है नियर गुलशन इकबाल, जबरदस्त। अगले चंद लम्हात में हम जो है ना शराबकोट से बाहर निकल जाएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहे।
अभी तक लियारिया से भी हम जा रहे हैं, लियर से पार से होते हुए आज ये तकरीबन हम जो है खराब रोड की पहुंच गए। और ये देखिए कराची की बिल्डिंग, कराची अपनी जगह माशाल्लाह ज़बरदस्त है और इसकी एनवायरनमेंट भी अच्छी है, बहुत आबादी है, तकरीबन ऑलमोस्ट 3 करोड़ लोग इधर यहाँ पे रहते हैं। और कराची कराची है जी, इसे इसलिए कहते हैं कराची कराची है। लियारी एक्सप्रेस वे पे अभी तक मौजूद हैं, कुछ लम्हात बाद हम सराब बोर्ड से उतर के तो हमने जाना है वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें जाएंगे। तो हमने सोचा कि चलो भाई हम आए हुए हैं तो हम आपके लिए वीडियो भी बनाएं। इस तरफ से देखें, ये देखिए ये सराब गोट, ये देखें लियारी एक्सप्रेस वे। कुछ लम्हात बाद हम नीचे उतरने वाले हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहे। लियारी एक्सप्रेस वे वापसी का सफर, पहले हम वहाँ रास्ते में उतर गए थे, फेडरल बीर के गए थे, अभी हम पीछे से फेडरल बीर के पीछे से होके आ गए हैं। तो आपको मैंने कहा लियारी देखें, ये सराब गोट टूल प्लाजा ये आया, लोग लाइन पे खड़े हैं, अभी जो है ना वापस अदर जा रहे हैं। हमारे साथ रहें, इस वीडियो को किसी के साथ जोड़ दूंगा जब आप तमाशा देखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रशीद जान। रशीद जान, मैंने सुना आप बहुत अच्छे गुरुकार भी हैं और बड़े अच्छे आदमी हैं, आप कहाँ से तशरीफ लाए? बलूचिस्तान कोयटे से आया। आप इस होटल में पहली दफा आए हो? ये होटल में पहले आया है, माशाल्लाह अच्छा होटल है। अच्छा, आपको ये मेरा चैनल है इसके लिए आपको इंटरव्यू कर रहे हैं। होटल कैसा लगा और हम कैसे लगे? माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोगों का होटल है, आप भी अच्छे आए। अच्छा ये बताएं हमें, पहले तो आप बलोची गाना सुनाए, मैं बगैर आप गुरुकार जी बलोची सुनाए। जी बलोची हमारी बलोच हमारे कौम के लोग हैं, हमारी कौमी लोग हैं, हमारी एक इकाई है, आप जरूर बलोची गए तो बलोची सुनाए। ऐ कना दिल दारन ते तू करे, ऐ कना दिल दारन ते तू करे, कंके जिंदे दारन ते तू करे, कंके जिंदे दारन ते तू करे, ऐ कना गम फारन ते तू करे, या देखे वही देखे वैनो ओसा, नितने बेजारन तय तुम करे, नितने बेजारन तय तुम करे, ऐकना दिलदारन तय तुम करे, ऐ रशीद अरमान सिदा उस तटी, ऐ रशीद अरमान सिदा उस तटी, उस तनावा पारन तय तुम करे, उस तनावा पारन तय तुम करे, ऐ कना दिलदारन तय तुम करे, तूने साथ हमारा छोड़ दिया, अब कैसे हम जी पाएंगे, हम तो सनम मर जाएंगे, हम तो सनम मर जाएंगे। मुझे ये बताएं जो पहले आप पश्चिम में गा रहे थे, आपका बलोची में गा रहे थे, उसका मतलब क्या था जी? जो बलोची में आपने सॉन्ग गाया उसका मतलब क्या था? वो बलोची में गाया, समझ में नहीं आता है, हम लोगों का जुबान है, आप लोगों को तो ठीक है, उर्दू में बुला रहे हैं, महबूबा को बुला रहे थे, महबूब को बुला रहे थे। वो महबूबा का अच्छा जी है, आपको पता है मैं भी महबूबा वाला हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो ज़ाहिर है शायर या ये टीवी वाले सारे लोग हम पसंद करते हैं उनको। देखिए हमारे चीज़ें ना कहानियाँ, ये कहानियाँ मुकम्मल ही नहीं है मोहब्बत के बगैर ना, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू की और दो लफ्ज़ सुना दें आज दम दें। दिल मेरा तुझ देता ये दुआ, बर्बाद हुआ मैं रहे आबाद तू सदा, वाह 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 आगे आ देख तेरे
प्यार में हमको मिले सौगात, रो रो के दिन गुजरता है कटती नहीं है रात, बीते जो तेरे साथ तू मैं कैसे दूर बुला, बर्बाद हुआ मेरे आबाद तू सदा। माशाल्लाह जबरदस्त आप गा रहे हो यार, आप कमाल और बिल्कुल बहुत अच्छा गाते हो। आप आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे एक दोस्त है, आपने गाना आप बोल दो कि मैं बोल दो समीर भाई की, समीर भाई के दोस्त के को डेलीगेट करते हैं, इतना कह रहा हूँ जी। बताएं मेरे दोस्त के लिए, मेरे दोस्त को आपने ये गाना डेलीगेट किया, बोलो यस यस। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आप खुश रहे जी। दोनों मिलकर नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। सुन ले हरी वाला।